है कि ये स्लीप बिल थोड़ा कंफ्यूजन है, स्लीप बिल विटनेसेस है या क्या फाउंडेशन में जो है वर्किंग क्या है? पहली बार आपने फाउंडेशन किया है, इससे पहले भी आप कहीं काम कर रहे हो, इस मद्देनजर याद है? स्लीपवेल फाउंडेशन आपने ठीक कहा, स्लीपवेल मैट्रिक्स जो बनाते हैं शीला उनकी सी एस आर है, और जो सी एस आर एक्ट जो है 2013 से लागू हुआ है, तो तब से फाउंडेशन तो बहुत पुरानी है, 2000 की बात है, और हम लोग तब से ही इमोशनल वेलनेस पे बहुत काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि लोग सोए अच्छी, और अगर कोई भी परेशानी होती है तो आई थिंक स्लीप इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। कुछ भी चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो या इमोशनल प्रॉब्लम हो या किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो, तो उसमें बस नींद आना ही वो हो जाता है। तो इसलिए हम इमोशनल वेलनेस के बहुत सारे से काम कर रहे हैं, जब से ये सी एस आर एक्ट आया है तब से बहुत फोकस पड़ गया है, तो स्किल डेवलपमेंट और इमोशनल वेलनेस स्लीपवेल फाउंडेशन 4 साल से काम कर रहा है। हमने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ काम किया है, प्लस आसाम में हमने काम किया है, वार्ड ब्लेयर में काम किया और एनसीआर में और खुर्जा में हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर किया है। थैंक यू मैम। सब मिलकर ही करते हैं, और लेकिन काम किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहिए वो भी। मैम अदनान सामी को बुलाने की कोई खासियत है? हाँ, अदनान सामी का जैसे मैंने बताया, उन्होंने अभी 130 किलो वजन कम किया है, और उनकी कहानी है बहुत अच्छी सुनने वाली है। बस एक वो बहुत खास इसलिए है कि अपने म्यूजिक के माध्यम से उन्होंने पूरे संसार को जोड़ा और सबको वो खुश करते हैं, तो वो चाहे वो बहुत मोटे थे तब भी खुश करते थे, और अब एकदम स्लिम थे वो भी सब भी बहुत खुश करते हैं। तो वो ये इस बारे में बताएंगे कि म्यूजिक के माध्यम से कैसे पूरी दुनिया को जोड़ा जा सकता है, जो आजकल एक बहुत बड़ा अगर टेंशन है तो खुश कैसे रहा जा सकता है, वेल कैसे रह सकते हैं, वो ये बताएंगे कि म्यूजिक से कैसे वेल रह सकते। थैंक यू मैम। और इसमें हर वर्ग के स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, मार्केटिंग एसोसिएशन है, हमारे अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए, ठीक है, हमारी जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, हर वर्ग की जो है और